ऐसे नहीं चलेगा कि लोग फैशन बना के बैठते कहते मैं सुंदर हूं तो भगवान हमारे पास आ जाएंगे। मैंने देखा है कि आजकल तो माताएं बहनें बड़ी मैचिंग में चलती हैं, मैचिंग में चलती हैं। एक जगह मैंने देखा कि कुछ बहनें जब कथा सुनने के लिए आती हैं तो मैचिंग करके आती हैं। एक बार लाल साड़ी पहन के आई, लाल ब्लाउज, लाल पेटीकोट, लाल ओठ रंग के आई, लाल ही बिंदी लगा के आई, लाल चूड़ी पहन के आई, लाल नेल पॉलिश लगा के आई। और यहाँ तक हुआ कि जो लाल उनके गोद में जो लाल था उस लाल को भी लाल कपड़े पहना के लेके आई। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? जवाब दिया है कि ये बहन जी सब फैशन चलती है क्योंकि हम लोग मैचिंग में रहते हैं। अगर मैचिंग में नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो पागल है। जिधर देखो उधर लाल। कहा जाता है कि जब वो आती है आगे को अपने बच्चे को साथ लेकर के आती है, लाल कपड़े बच्चे को भी पिराह करके लेकर के आती है, तो कहा जाता है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं उत लाल, मैं भी बोरी देखन गई तो मैं भी हो गई लाल। अगले दिन वो सफेद साड़ी पहन के आई तो सफेद चूड़ी पहन के आई, सफेद ब्लाउज पहन के आई, चूनर सफेद डाल के आई, लिपस्टिक सफेद ही लगा के आई, बिंदी सफेद लगा के आई। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगले दिन जब आई तो काली साड़ी पहन के आई। जब काली साड़ी पहन के आई तो काली चूड़ी, काली बिंदी, सब कुछ काली है, लेकिन जो मेकअप था वो काला नहीं था। तो मैंने कहा आज ये क्यों छोड़ दिया भाई काजल? अगर मेकअप काला नहीं था तो काजल की डिबिया लेके पूरे मुंह पे पोत लेती। इसलिए कहना है कि अगर मेकअप भी करना है तो भगवान के नाम का करो। दिल को मिलाना सीखो। दिल से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जिससे आपने अगर एक बार प्रेम कर लिया उसे कभी जीवन में छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो है भगवान। अगर भगवान से तुमने दिल लगा लिया तो कभी तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं कि पहली बात मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और अगर मैं एक बार किसी को पकड़ लेता हूँ तो कभी छोड़ता नहीं हूँ।